मक्का शरीफ में कूफा के एक हाजी साहब जा गए हज करने के लिए, तो उनके बारे में जो रिवायत आई है कि उसने 60 बार हज किया। कितनी बार? 60, 7 नहीं, 60 बार हज किया। हम लोग एक बार हज करके फूले नहीं समाते ना, चाहते हैं कि हर कोई हमें हाजी कहे, हर कोई हमें हाजी कहे। अब वो बेचारा 60 बार हज किया, मगर उनका मामला बड़ा अजीबोगरीब था। जब वो जाता खाने काबा का पहली बार हज करने गया, तो तवाफे काबा कर रहा है और पुकार रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहां सुभान अल्लाह कहना चाहिए था, यहां मिस किया। हर हाजी तवाफे काबा करते वक्त पुकारता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसका मतलब है कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, मैं गुनहगार हूँ फिर भी हाजिर, खताकार हूँ फिर भी हाजिर, इसिया शियार हूँ फिर भी हाजिर, मुजरिम हूँ फिर भी हाजिर, पापी हूँ फिर भी हाजिर। तवाफे काबा करता है हाजी और पुकारता है अपने रब को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो हाजी साहब जो हज में तवाफे काबा में पुकारते थे ना, तो गैब से एक आवाज आती थी जो वो हाजी साहब ही सिर्फ सुनते थे, कुछ दूसरा नहीं सुनता था। जब वो कहता कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गैब से आवाज आती ला लब्बैक, ला लब्बैक, यानी बंदा कहता है अल्लाह मैं हाजिर हूं तेरी बारगाह में हाजिर हूं, आवाज आती ला लब्बैक, ए बंदा तेरा लब्बैक मेरी बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह कितनी बड़ी बात है, गैब से आवाज आ रही कि तेरा हज कबूल नहीं। वापस हज करके घर आ जाता, फिर अगले साल फिर जाता, क्योंकि करीब का मसला था। ऐसे करते करते 59 बार वो हज किया, हर बार यही आवाज आती ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक। अब की बार जो 60वां बार हज करने गया ना, तो तवाफे काबा कर रहा है और फिर वो पुकार रहा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आ रही ला लब्बैक ला लब्बैक। उस हाजी के पीछे में तवाफे काबा करते वक्त एक अल्लाह का मर्द कलंदर भी था, एक दुर्वेश भी था, एक वो फकीर भी था जिसका जाहिर भी चमका हुआ था, जिसका बातिन भी चमका हुआ था। ये आवाज जो आ रही थी ला लब्बैक, तो उस हाजी के अलावा ये मर्द कलंदर भी उस आवाज को सुन रहा था, ये भी सुन रहा था। अब ये घबरा गया कि या अल्लाह, ये कह रहा अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आ रही गैब से ला लब्बैक, मामला क्या है, मामला क्या है, परेशान परेशान। जब तवाफे काबा कर चुका वो हाजी रुका एक जगह, तो ये मर्द कलंदर अल्लाह का वली पीछे से जाके उसके कांधे पे हाथ दिया और कहा कि हाजी रुक, रुका। इसने कहा कि तुम तवाफे काबा कर रहे थे और अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक की सदा लगा रहे थे, मगर गैब से आवाज आ रही थी ला लब्बैक ला लब्बैक, मामला क्या है? इस आवाज को मैंने भी सुना। तो वो हाजी रो पड़ा, कहा कि ए अल्लाह के बंदे, तुमने पहली बार सुना ना, ये मेरा 60वां बार है जो मैं सुन रहा हूँ ला लब्बैक ला लब्बैक। 60 बार में मक्का आ चुका, मगर हर बार यही आवाज आती है ला लब्बैक ला लब्बैक। तो ये मर्द कलंदर ने कहा कि अब जब हर बार आवाज आती तो फिर आते काहे को, क्या करने आते? तुझे पता है कि तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है, तो इतनी मशक्कत ये 60 बार तुम कामा आके हर बार का तो अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं आते, इतनी परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? तो वह हाजी इस मर्द कलंदर से पूछ बैठा, ओ अल्लाह के बंदे ये बता, मैं यहाँ ना आऊं तो तू ही बता है कोई ऐसा दरवाजा जिस दर पे जाके मैं अपने रब को मना लूं, है कोई ऐसा दरवाजा, है कोई ऐसा अल्लाह का घर जहां जाके मैं अपने रब को मना लूं,
अगर मेरा रब हजारों बार भी कहे लब्बैक, तब भी ये बंदा यहाँ आने से रुकेगा नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि जब दुनिया के हर दौलतमंदों अमीरों का दरवाजा बंद हो जाता है तो रब का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। यहां ना जाऊं तो क्या करूं, रो पड़ा हाजी। इतना कहना था कि फौरन आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मर्द कलंदर भी सुन रहा है, हाजी भी सुन रहा है, 59 बार पुकारा था, ला लब्बैक की सदा आ रही थी। आज हाजी को रब फरमा रहा है, ए मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। सच कहा है, अगर कोई बंदे मोमिन अपने रब को दिल से एक बार या अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता है मैं 70 बार पुकारता हूँ लब्बैक अल्लाह के बंदो, दिल से एक बार अपने रब को पुकार के तो देख, पुकार के देख, तेरा रब गफुरुर रहीम है, तेरा रब रहमान है, तेरा रब रहीम है। वो जब्बार कहार है, मगर इबादत की शुरुआत रब ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह जब्बार कहार, ये नहीं कहा कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो जब्बारों कहार है, नहीं, रब ने फरमाया कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो रहमान है, उस अल्लाह के लिए है जो रहीम है। रहमान रब को पुकारो, रहीम रब को पुकारो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजी करो, कसम खुदा की तू दिल से एक बार सजदा करेगा तेरा रब तेरा सजदा कबूल फरमा लेगा। जलसा इसलिए की जाती है कि जलसा में कौम को दीन की बात सिखाई जाए। अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि नोट खत्म हो गई, मगर ये बिनसार है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह यहां अल्लाह ने इतना नवाजा है बिनसार वालों को, और अल्लाह ने दिल भी दिया, ये देख रहे हैं इतनी बड़ी इमारत, ये पूरे एरिया में आप घूम के देख रहे हैं, इतना बड़ा हाल कहीं नहीं मिलेगा। वजह कि दिल से मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोग, दिल से, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अच्छा, इजाजत है आप लोग तकरीर कर रहे हैं, एक ठवानी बोलिएगा चक कीजिए, आप लोगों की इजाजत है ना, मुझे डर लग रहा कभी कभी, कैमरा तो है, हाँ। सुन रहे हैं? अच्छा, आते रहिएगा तब ना पता चलेगा, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? हमको इस मजमा से घबराहट नहीं हो रही, हमको मजमा की धमकी कोई न दे कि कम मजमा है हजरत तकरीर कैसे करेंगे, हम तो ऐसे महफिल में तकरीर करके आए सुना दें हजरत इजाजत है। मैं जब 96 में फारिग हुआ था मुबारकपुर अशरफिया से, मेरे वालिदे गिरामी फातिहे सिल्लीगोड़ी हजरत अल्लामा मौलाना तमीजुद्दीन अली रहमा उस वक्त सिल्लीगोड़ी में रहते थे, शब बरात के मौके से मैं सिल्लीगोड़ी गया, तो जैसे शब बरात में प्रोग्राम की भीड़ रहती ना यहाँ पर, यहाँ तो कुरान खानी होती है, उन इलाकों में मिलाद, तो एक एक रात में तीन तीन चार चार मिलाद। इत्तेफाक से उस दिन दो मिलाद की दावत आई थी, मैं फारिग होके पहुंचा था, तो मेरे वालिद ने कहा कि बेटा दो मिलाद की दावत आई है, एक मिलाद में तुम चले जाना। मैं तो बड़ा खुश हुआ, जवानी का आलम, नई नई फराकत, इल्मी गलगला, जोरे खिताबत का जोश, मैं सोचा कि आज तो तबीयत से तकरीर करूंगा। मगरिब की नमाज पढ़ा तो वो लोग लेने आ गए, रिक्शा में लेके चले मुझको। जिसके घर मिलाद का प्रोग्राम था वो बंगाली था, बंगाली बंगाली था, और कारखाना था उसका, मुझे ले गया अपने कारखाने में, देखा कि एक चौकी तख्त बिछी हुई है और सामने दरी लगाया हुआ है, मुझको ले जाके बैठाया, नाश्ता पानी कराया, उसके साथ उसका एक नौकर था और कारखाने में कोई नहीं, नाश्ता पानी करा के हमसे करा के मौना मिला शुरू करो। वहां दो ही लोग हैं, एक मालिक एक नौकर, बंगाली मालिक बंगाली नौकर। अब मुझसे करा के मौना मिला शुरू करो,
अब तो हम घबराए कि या अल्लाह क्या सोच के आए थे कि अच्छा मजमा होगा, लोगों की भीड़ होगी और जम के तकरीर करेंगे, यहाँ तो दो ही आदमी कैसे क्या करें। उसको मैंने कहा अरे भाई रुको ना, 5-10 मिनट रुको, किसी और लोगों को आने दो। मैं 5 मिनट और रुका मगर किसी का पता नहीं। वो कह रहा कि आप मिला शुरू करो ना, लोग आएंगे धीरे धीरे। मैं मरता क्या नहीं करता, कुर्सी पे बैठा, सामने बंगाली मालिक और नौकर बैठ गया। अब मैं धीरे धीरे तकरीर शुरू किया। अभी 2-3 मिनट तकरीर किया हूं तो वो मालिक अपने नौकर से कहता कि ए मुंह क्या देखता, जा अगरबत्ती ले गया। उसको अगरबत्ती लाने भेज दिया। अब मेरी जिंदगी का पहला हादसा के एक खतीब एक मजमा, एक मुकर्रर एक सामी, जिंदगी का पहला हादसा। अब बंगाली मालिक बैठा सामने, मैं तकरीर कर रहा हूं और मैं तकरीर कर रहा हूं तो उस मालिक का ध्यान मेरी तकरीर की तरफ नहीं है, उसका ध्यान नौकर की तरफ है और बार बार घड़ी देखता है। और नौकर वह जो गया ना तो भी गायब हो गया। 5 मिनट गुजर गया तो अब ये घड़ी देखता और खाली कहता कि ओह कोठाई गिरो कोठाई गिरो। अब ये बड़बड़ा रहा, मैं क्या बोल रहा हूं उसको कोई मतलब नहीं। वो खाली बोल रहा ओ कोठाई गिरो, 2-4 बार बोल के कहता कि मौना आप तकरीर बोलो, हम देखता के कहां चला गया। वो भी गायब। मैं तो ऐसी महफिल में तकरीर करके आया हूं, मुझे मजमा की धमकी कोई ना दे, अच्छे सामाईन और बड़ा सामाईन की धमकी ना दे, इसलिए कि मैं आपके नाम पर मिलाद पढ़ने नहीं आया, उस अजमत कुरान वाले पैगंबर के नाम पे मिलाद पढ़ने आया हूँ। वो पैगंबर का मकाम तो ये है, रहते हैं फर्शे समी पे, अर्शे परी की खबर रखते हैं। मेरा पैगंबर तो वो पैगंबर है कि मस्जिद नबवी में बैठने वाला पैगंबर अर्शे आजम पे जिब्राइल के चलने के कदमों की आहट को भी सुन लिया करते हैं। वो पैगंबर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। हम यहाँ से नबी पर दरूद पढ़ेंगे, मेरा मुस्तफा मदीने से समाज करेंगे। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे रखो सलाम। एक जमाना था कि लोग इतराज करते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चलते थे तो तख्त उनके साथ में हवा में उड़ा करता था और तख्त पर उनके साथ उनके वजरा जिन इंसान साथ मल्ले के सफर करते थे। लोग इतराज करते थे कि इतना वजनी पत्थर कैसे हवा में उड़ता है, कैसे हवा में उड़ता है। जब अल्लाह ने इंसानों को थोड़ी सी अकल दी और हवाई जहाज बना डाला, इतराज खत्म, इतराज खत्म। समझ गया कि लोग जब हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं तो वो तो पैगंबर है, तख्ते सुलेमानी क्यों नहीं उड़ सकता। जब अस्हाबे फील पर अल्लाह ने परिंदों के जरिए से कंकर बरसाया, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, तो कंकर से हाथी हलाक हो गया। तो लोगों का जहन कबूल नहीं कर रहा था कि इतनी छोटी छोटी कंकर, इतना बड़ा जानवर कैसे घुसा इधर से उधर निकल गया, कैसे हाथी जैसा बड़ा जानवर हलाक हो गया। लेकिन जब डेवलप किया लोगों ने, साइंस तरक्की किया और गोली जब तैयार कर लिया ना, गोली समझ गया कि नहीं, एक गोली में जब इतना पावर है तो कंकर में कितना पावर रहा होगा। हजरत मूसा पैगंबर रब की बारगाह में अरीजा पेश किए, रब्बे अरिनी, ए रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि लन तरानी मूसा, तू मुझे देख नहीं सकता, लन तरानी। मगर हजरत मूसा अलैहि सलाम बार बार इसरार किए तो रब ने फरमाया कि अच्छा मूसा जा कोहे तूर पर,
मैं अपने नूर की तजल्ली का एक जलवा कोहे तूर पर बिखेरूंगा, अगर तू उसको देखने की ताब लाया तो मैं तुझे अपना जलवा दिखा दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ने जब अपने नूर की तजल्ली की एक झलक कोहे तूर पर नाजिल फरमाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर पड़े। मूसा पैगंबर बेहोश होके गिर पड़े, तूर के पहाड़ का वो पत्थर जलकर सुरमा हो गया। सुरमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो आपकी आंखों की रोशनी और बिनाई का आलम ये हो गया। रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 300 मील दूर काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी जो चलती थी ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 300 मील दूर से उस चूंटी को देख लिया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह के नूर की तजल्ली को देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चेहरे पे नकाब डाल लिए, वजह कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में झांकता था तो उसकी आंख अंधी हो जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चेहरे पे नकाब डाल के चलते थे। घर जो आए तो उनकी बीबी सफूरा, हजरत सफूरा ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरे शोहर, मुझसे क्या पर्दा। इस जुमले पे सुभानअल्लाह की आवाज आ जाए। अरे शोहर कभी बीवी से पर्दा करता है? हजरत सफूरा ने कहा कि मूसा आप मेरे शोहर हैं, मेरे पति हैं, मेरे हस्बैंड, आप मुझसे पर्दा कर रहे हैं, आप चेहरे से नकाब तो हटा, मैं आपकी आंखों में देखना चाहती हूं। तो मूसा पैगंबर ने कहा कि अरे नादान मत देख, मेरी आंखों में जो झांकता है ना, जो देखता है तो उसकी आंख अंधी हो जाती है, ना भी ना हो जाती है, मत देख। मगर सफूरा ने कहा कि नहीं, मैं तो देखूंगी, मैं देखूंगी, अगर चाहे मेरी आंख चली जाए। हजरत मूसा समझाते हैं, मगर सफूरा ने कहा ऐसा करें कि ठीक है, मैं एक आंख बंद करके एक आंख से देखूंगी, मगर मैं देखूंगी आपकी आंखों में अल्लाह के नूर की चमक, मैं देखूंगी, एक आंख से देखूंगी। अगर एक आंख अंधी भी हो गई तो एक आंख सलामत रहेगी ना। इसको कहते हैं शौक, इसको क्या कहते हैं? शौक, देखने की तमन्ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चेहरे से नकाब पलटा, हजरत सफूरा ने एक आंख पे हाथ रख करके एक आंख से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में अल्लाह की नूर का जलवा चमक देखने में गुम हो गई। बड़ा मजा आने लगा, बड़ा मजा। मगर देखते देखते हजरत सफूरा की इस आंख की बिनाई खत्म, आंख अंधी हो गई, रोशनी खत्म। तो हजरत सफूरा ने सोचा कि एक आंख से देखने में इतना मजा, इस आंख से तो जरा इस आंख से भी देखूं ना। तो इस आंख पे हाथ रख के अब इस आंख से देखना शुरू किया। अब देखते देखते इस आंख की रोशनी भी खत्म। तो हजरत सफूरा ने इस आंख पे हाथ रखा, इस आंख को जो खोला तो फिर रोशनी लौट के आ गई, फिर रोशनी लौट के आ गई। किसी की रोशनी दोबारा वापस ना आई सफूरा के अलावा। सफूरा तुझे पता था कि मूसा की आंखों में झांकूंगी तो मेरी आंख नाबीना हो जाएगी, तो ठीक है तुमने एक आंख से देख लिया था, फिर दोबारा दूसरी आंख से तुमने देखने की तमन्ना क्यों किया? जब इसको देखा फिर इसको देखने की तमन्ना क्यों किया? तो सफूरा कहती है ए लोगों, मैं अपने पति की आंखों में झांक करके ये कोई और बात नहीं देख रही थी, बल्कि अल्लाह के नूर की चमक मूसा की आंखों में देखने का वो मजा था, वो मजा था कि हजारों आंखें भी होती तो मैं उस पे कुर्बान।
कुर्बान कर सकती थी, मैं उस पे कुर्बान कर सकती थी। जब मूसा पैगंबर ने अल्लाह के नूर की चमक को देखकर 300 मील दूर देख सकते हैं, तो हमारा नबी, तुम्हारा नबी, सबका नबी, रब का नबी, जो रब का जलवा देख के मेराज की रात वापस लौटा हो, उस नबी की बारगाह में क्या हम छुपे हुए रहेंगे? वो मेरा पैगंबर रहेगा मदीना में, बिलसान के मुसलमानों को वो आज देख रहे होंगे कि मेरा दीवाना मेराज की रात को मेरे नाम पर जागते हुए गुजार रहे हैं। मुस्तफा का करम हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उस अजीम पैगंबर की महफिल में हम लोग बैठे हैं। जंगे बदर, अच्छा इजाजत है फिर पूछता हूँ, इजाजत है? मैं डर डर के तक नहीं करूंगा ना, जितनी जल्दी आप लोग बोलेंगे इजाजत है उतनी जल्दी तकरीर खत्म करेंगे। लेट कीजिएगा, हम तकरीर लंबी कर लेंगे। इजाजत है? देखिए कितनी जल्दी बोल दिया, तकरीर जल्दी खत्म करने के लिए कह रहे हैं। जंगे बदर में एक औरत का एक बेटा शहीद हो गया। जंगे बदर में शहीद जो हो गया, तो वो औरत जब मुस्तफा जाने रहमत मदीना वापस लौटे, तो उस औरत सहाबिया को खबर लगी कि मेरा बेटा शहीद हो गया जंगे बदर में। वो आई नबी की बारगाह में मस्जिद नबवी में और आकर कहने लगी, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा जो शहीद हुआ, या रसूलल्लाह, आप मुझे बताएं कि मेरा बेटा जन्नत में है कि जहन्नम में। यहां सुभान अल्लाह कहना चाहिए, मिस कर दिया, मिस कर रहे हैं। एक सहाबिया आका की बारगाह में आके पूछ रही है, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा जो जंगे बदर में शहीद हुआ, आप मुझे बताएं कि वो जन्नत में है कि जहन्नम में। अच्छा, जन्नत और जहन्नम तो मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद ना होगा। अब वो पूछ रही है कब? 1400 साल पहले मदीना में। आका ने पूछा, क्यों ये क्यों पूछ रही हो, क्यों पूछ रही हो, इतना रोती क्यों हो? क्या तेरे बेटे के मौत का तुझे गम है, शहीद होने का तुझे अफसोस है? कहीं या रसूलल्लाह, शहादत का अफसोस नहीं, मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर मेरा बेटा जन्नत में है तो मुझे खुशी होगी, और अगर जहन्नम में चला गया तो अफसोस होगा, या रसूलल्लाह, आप मुझे बता दें। इतना सुनना था पैगंबर का कि मेरे सरकार ने अपने सरे मुबारक को उठाया आसमान की तरफ, अपने सरे मुबारक को उठाया आसमान की तरफ, और उठाने के बाद मेरे सरकार ने मुस्कुराया और फरमाया कि ओ औरत, सुन, जन्नत के 8 तबका है, जन्नत का 8 दर्जा है, सबसे ऊंचे दर्जे में अल्लाह ने तेरे बेटे को मकाम अता फरमाया है, सबसे ऊंचे दर्जे में। तो वो नबी जो जमीन पे बैठकर जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे का मुशाहिदा कर रहे हो, मुआयना कर रहे हो, तो क्या वो नबी मदीने में रहकर हम लोगों को नहीं दे सकते? यकीनन दे सकते। जंगे बदर की एक बात और अर्ज कर दूं, इसी उनवान से ताल्लुक है इसलिए पेश कर देता हूं, बस आखिरी गुफ्तगू। जंगे बदर में जब 313 सहाबा गए थे जंग करने के लिए, तो मक्का के काफिर कितने थे? 1000। कितने थे? 1000। और मदीने से मुस्तफा के सहाबा कितने गए थे? 313। रमजान का महीना था, सहाबा पर गुर्बत का आलम था, गरीबी का आलम यह था कि बाद सहाबी एक खजूर खा के सेहरी करते, इस एक खजूर से अफतारी करते, इतनी गुर्बत।
बाद सहाबा का कुर्ता फटा हुआ, बाद सहाबी के जिस्म पर कमजोरी की निशानी इतनी साफ झलकती थी कि गाल पिचका हुआ, आंखें धसी हुई, तलवार किसी के पास सही सलामत नहीं थी, नेजा था तो मुड़ा हुआ, तीर था तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा। सवारी के लिए घोड़े नहीं, इतनी तंगी के हालत में रमजान के दिन में जंगे बदर का इस्लाम का पहला मारका। मुस्तफा जब जंगे बदर में गए ना तो काफिरों के लश्करों का मुआयना किया मुस्तफा ने और एक निगाह डाला अपने 313 जाबाज सहाबा पर। आका ने अपने सहाबा को देखा और देखने के बाद मुस्तफा ने सर को सजदे में रखा और कहा मौला ये 313 सहाबा की जमात को लेकर मैं तेरे दीन की खातिर लड़ने के लिए आ गया, अगर आज ये 313 कट गए मर गए तो फिर दुनिया में तेरा नाम लेवा बाकी न रहे। अल्लाह गैब से नुसरत और मदद अता फरमा दे ताकि सहाबा के दिलों में इत्मीनान जारी हो जाए। मुस्तफा ने दुआ किया था, रब ने जिब्रील से कहा जिब्रील देख क्या रहे हो, आज मुस्तफा ने बुलाया है, चले जा 70,000 मलाइका की जमात को लेकर। जिब्रील मलाइका फरिश्तों की जमात को लेकर उतर पड़े जमीन पर जंगे बदर में। ए मुसलमानों आज इस्लाम तुम तक आया है, ऐसे नहीं आया है। 313 सहाबा के साथ फरिश्तों की जमात उतरी। अच्छा अल्लाह ने जब हजरत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से कहा कि मैं अपना खलीफा जमीन पर बनाना चाहता हूं, तो फरिश्तों ने क्या कहा था कि ये खलीफा तो बनाएगा, ये इंसान दुनिया में जाएगा, फितना करेगा, फसाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो फरिश्तों को अल्लाह ने दिल नहीं दिया, एक बहुत कीमती बात, फरिश्तों को अल्लाह ने जैसे हम लोगों का दिल है ना ऐसे दिल फरिश्तों को अता नहीं फरमाया। फरिश्ते झगड़ा से पाक, लड़ाई से पाक, फितना से पाक, कत्ल से पाक, मगर आज मुस्तफा ने दुआ किया तो रब ने फरिश्तों से कहा ए फरिश्तों मैं तुझे सिर्फ तस्बीह और तहलील के लिए पैदा किया, मगर आज मुस्तफा ने मदद के लिए बुला रहा है, आज मैं फरिश्तों की फितरत को बदल रहा हूं, जा सहाबा के साथ जंग में तू भी शरीक हो जा। फरिश्तों की आज फितरत को बदला गया लड़ने के लिए। सहाबा का मानना कि हम लोग जब लड़ने के लिए निकले मैदान में तो हम लोगों ने अर्ज किया या रसूलल्लाह हम लोग के पास तो तलवार भी नहीं पूरी, तो मेरे आका ने खजूर की शाख तोड़ के दिया कि ले इससे तलवार का काम कर। सहाबा कहते हम लोग अभी तलवार उठाते ही थे कि पीछे से आवाज आती थी हजदुम खैजुम आगे बढ़ आगे बढ़। अभी ऐसे उठाते थे उधर उसकी गर्दन कट जाती थी। अल-किस्सा मुख्तसर, मैदान फतह हुई, जंगे बदर में मुसलमानों को फतेह मिली। मेरे सरकार सहाबा को लेकर नमाज में इमामत के लिए खड़े हुए। अब आखिरी पॉइंट है, तवज्जो से सुन ले, एकदम आखिरी गुफ्तगू। जंग फतेह हो गई, सरकार ने सहाबा को लेकर नमाज पढ़ने खड़े हुए जंग के मैदान में। हम लोग तो घर में रह के नमाज नहीं पढ़ते ना, घर में रखने पड़ते, अजान होती है चौराहों पर लड़के आवारा गर्दी करते रहते हैं, अजान होती रहती है चौराहों पर, लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, दुकानों में गपशप मारते हैं, ये लोगों कभी ऐसे ही चाय पीते पीते अजान के वक्त तेरी मौत आ जाए पता फिर क्या होगा तेरा, कभी ख्याल किया कि रब का नाम पुकारा जा रहा है और तू गफलत में डूबा हुआ। मुस्तफा जाने रहमत इमामत के लिए खड़े हो, सहाबा पीछे मुकद्दी बनकर। हजरत जिब्रील ने सोचा, अब तवज्जो, हजरत जिब्रील ने सोचा कि जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया, मैदान फतह हो गया,
सहाबा जीत गए, माले गनीमत मिला। अब नबी नमाज में खड़े हो गए सहाबा जमात में, हम लोगों का काम खत्म, अब यहाँ रह के करेंगे क्या? जिब्रील ने सोचा, ये सोचकर हजरत जिब्रील ने मलाइका से कहा कि चलो वापस, चलो आसमान में। अभी हजरत जिब्रील पहले आसमान के दरवाजे तक पहुंचने न पाए थे कि रब ने आवाज दिया, ओ पहले आसमान का दरोगा सुन, आसमान का दरवाजा बंद कर ले, जिब्रील को आने मत देना, जिब्रील को आने मत देना। हजरत जिब्रील जब पहले आसमान के दरवाजे पहुंचे, देखा कि दरवाजा बंद है, दरोगा आसमान से पूछा बंद क्यों? कभी तो बंद नहीं हुआ, मैं जब चाहता जाता, जब चाहता आता, आज दरवाजा बंद क्यों? तो पहले आसमान के फरिश्ते ने कहा कि इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ये रब का हुक्म है, ये अल्लाह का फरमान। जिब्रील हैरान कि या अल्लाह हुआ क्या, मैं तो हजारों बार जमीन पे जाता आता हूँ अल्लाह के फरमान के मुताबिक, आज भी तो अल्लाह के महबूब की मदद के लिए मैं जमीन पे उतरा था, वापस आया तो आसमान का दरवाजा बंद। हजरत जिब्रील ने फरियाद किया रब की बारगाह में, हे अल्लाह हर काम तेरे हुक्म से मैं करता हूँ, तूने भेजा महबूब की हिमायत के लिए जंगे बदर में, मैं गया मैदान फतह हुआ, जंग जीत लिया मुस्तफा ने, इस्लाम को फतेह मुबीन हासिल हुई, या अल्लाह मेरा काम खत्म, मैं वापस आ गया मगर दरवाजा बंद, ए अल्लाह तेरी हिकमत समझ में नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील जिसके पास भेजा था जब वापस आए तो महबूब से इजाजत लिया कि नहीं लिया? महबूब से इजाजत लेके आ रहे हो या बिना इजाजत? जिब्रील ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, जंग खत्म हो गई, मुस्तफा तेरे नमाज में खड़े हैं, जमात में सहाबा हैं, वो नमाज पढ़ रहे थे, मैं इजाजत कैसे लेता? रब का हुक्म आया कि जिब्रील वापस जा। अरे मुस्तफा सलाम तो फेरेंगे ना, थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकता, जिब्रील को वापस आना पड़ा। मुस्तफा जाने रहमत हालत नमाज में है, सहाबा का बयान है कि हम लोगों ने बाएं तरफ से निगाह उठा के मुस्तफा के चेहरे को देखा तो मेरा नबी हालत नमाज में तबस्सुम फरमा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, गोया के हालत नमाज में जिब्रील की हालत को मुस्तफा देख रहे थे और सहाबा हालत नमाज में मुस्तफा का चेहरा देख रहे थे। तो मुस्तफा का चेहरा अगर हालत नमाज में कोई देख ले तो वो नमाज मुकम्मल नमाज होती है, वो नमाज अकमल नमाज होती है, इसलिए कि नमाज हमको मिली है तेरे वसीले से। वो क्या नमाज है जिसमें तेरा ख्याल नहीं, वो आसमान का सूरज नहीं, कोई हिलाल नहीं, नबी के तलवे की हरगिज कोई मिसाल नहीं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला आपकी बारगाह में हाजिरी का मजीद गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्ल बलाग, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आज की इस महफिल को कबूल फरमा ले। आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।